अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तेजस्वी यादव का काफिला हादसे का शिकार, आपस में टकराई काफिले की 10 गाड़ियां। रूपेश सिंह के परिवार से मिलने जा रहे थे तेजस्वी, हादसे के बाद सियासत में मची खलबली। मठिया कमालपुर के पास हुआ ये हादसा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का काफिला हादसे का शिकार हो गया तो हर तरफ खलबली मच गई। जैसे ही खबर सामने आई तो आरजेडी समर्थकों की धड़कनें बढ़ गई। हर किसी को चिंता थी कि क्या उनके नेता सुरक्षित हैं। वहीं हर शख्स अपने अपने तरीके से तेजस्वी यादव के बारे में जानकारी जुटा रहा था। हादसे के वक्त काफिला सारण की तरफ जा रहा था, तभी अचानक यह हादसा हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड के बाद उनके परिजनों से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन इससे पहले उनके काफिले को एक हादसे का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सारण जा रहे इस काफिले की 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में तेजस्वी बाल बाल बच गए। वहीं काफिले की गाड़ियों में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह हादसा खड़का मानपुर रोड में मठिया कमालपुर के पास का बताया जा रहा है। हादसे के बाद भी तेजस्वी यादव नहीं रुके और दिवंगत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह के परिवार वालों से जाकर मुलाकात की। तेजस्वी ने राज्य में लचर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस मौके पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा और सरकार को आड़े हाथों लिया। छपरा रवाना होने से पहले पटना में तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से कहा था कि मुख्यमंत्री को शनिवार को चिट्ठी लिखी है, एक महीने में क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ तो राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। नीतीश जी से हाथ जोड़कर कहेंगे कि हम मानते हैं कि आप कमजोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार के लोगों को गाजर मूली की तरह नहीं कटवाइए। उन्होंने कहा कि अगर डीजीपी खुद पल्ला झाड़ रहे हैं तो समझ सकते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति हो सकती है। मुख्यमंत्री निवास से 9 मिनट के रास्ते पर ऐसी घटना होती है और पुलिस प्रशासन को खबर भी नहीं लगती। तेजस्वी ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर दोहराया कि नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप अपनी सत्ता के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ मत कीजिए। नागरिकों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को सिर्फ अपने लालच की पूर्ति करना है, जो कि बेहद शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।